हेलो यूट्यूब, दिस इज शुभम अग्रवाल एंड यू आर वॉचिंग साइबर बाबा। सो फ्रेंड, आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कुछ टूल्स, कुछ सॉफ्टवेयर्स, कुछ वेबसाइट्स जिन्हें मैं अपनी डेली लाइफ में बहुत ही ज़्यादा यूज़ करता हूँ, और आशा करता हूँ कि इनमें से कुछ वेबसाइट या फिर कुछ टूल्स आपके लिए भी बहुत ही ज़्यादा यूजफुल होंगे। तो इन टूल्स को जानने के लिए आप लास्ट तक इस वीडियो को ज़रूर देखें। बात करें अगर हम अपने सबसे फर्स्ट टूल की, तो यह कोई टूल नहीं है, एक्चुअल में एक वेबसाइट है जिसका नेम है imgonline.com.uk। तो यार, यह वेबसाइट बहुत ही ज़्यादा यूजफुल है। अब इस वेबसाइट को यूज़ करके आप अपनी किसी भी इमेज को PNG फॉर्मेट में कन्वर्ट कर सकते हैं, क्योंकि यार ऑनलाइन काम के दौरान बहुत सारी इमेजेस की आपको रिक्वायरमेंट होती हैं। कुछ आपको PNG इमेजेस मिलती हैं, कुछ आपको PNG नहीं मिलती। तो अगर आप अपनी किसी भी इमेज को ट्रांसपेरेंट करना चाहते हैं या फिर आप उसे PNG में कन्वर्ट करना चाहते हैं, तो आप एक बार इस वेबसाइट को ज़रूर यूज़ करें। इसके बाद हमारा जो सेकेंड टूल है वह है ट्यूबबडी। तो यार, ट्यूबबडी तो आप में से बहुत सारे यूजर्स यूज़ करते हैं। एक्चुअल में एक चैनल मैनेजमेंट टूल है जिसका यूज़ करके आप आसानी से अपने चैनल को मैनेज कर सकते हैं। तो यार, मैं इसे बहुत टाइम से यूज़ कर रहा हूँ और मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा यूजफुल है। बढ़ते हैं हम अपने अगले टूल की तरफ, जो कि है फॉर्मेट फैक्ट्री। तो यार, यह भी एक बहुत ही ज़्यादा यूजफुल सॉफ्टवेयर है। अब इस सॉफ्टवेयर को यूज़ करके आप अपनी किसी भी फाइल को या फिर किसी भी सॉन्ग को, ऑडियो हो या फिर वीडियो हो, आप उसे फॉर्मेट में चेंज कर सकते हैं। क्योंकि यार, फॉर्मेट को चेंज करने की अलग अलग सॉफ्टवेयर के हिसाब से आपको रिक्वायरमेंट होती है। बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स ऐसे होते हैं जो कि MOV फाइल को सपोर्टेड नहीं करते, बहुत सारे कुछ अलग फाइल को सपोर्टेड नहीं करते। तो अगर आप किसी भी फाइल को कन्वर्ट करना चाहते हैं या फिर आप उसके साइज़ को रिड्यूस करना चाहते हैं, तो एक बार आप इस सॉफ्टवेयर को ज़रूर यूज़ करें। सारे सॉफ्टवेयर्स की लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, जहाँ से आप इन्हें अच्छे से चेक कर सकते हैं और इन्हें यूज़ कर सकते हैं। बढ़ते हैं हम अपने अगले टूल्स की तरफ, जो कि है गूगल एडवांस टूल। तो यार, जैसे कि अगर मैं अपनी बात करूँ, तो मैं अपने YouTube चैनल के लिए मुझे बहुत सारा कंटेंट चाहिए होता है जो कि कॉपीराइट फ्री हो। अब अगर आप गूगल पर सर्च करते हैं किसी टॉपिक पर, तो वहाँ पर आपको सारा कॉपीराइटेड कंटेंट मिलता है। बट गूगल एडवांस टूल को यूज़ करके आप आसानी से कॉपीराइट फ्री कंटेंट को फाइंड कर सकते हैं। और आज के डेट में सबसे ज़्यादा मैं भी इसी टूल को यूज़ करता हूँ। तो आप बेस्ट और कॉपीराइट फ्री कंटेंट फाइंड करने के लिए एक बार आप इस टूल को ज़रूर यूज़ करें। बढ़ते हैं हम अपने अगले टूल की तरफ। तो यार, एक्चुअल में कोई टूल नहीं है, एक वेबसाइट है जिसका URL है spark.adobe.com। तो यार, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप डायरेक्टली डिस्क्रिप्शन की लिंक को फॉलो कर इस पेज तक पहुंच सकते हैं। तो यार, जो spark.adobe है, इसे मैं यूज़ करता हूं अपने YouTube वीडियोस के थंबनेल को बनाने के लिए। तो अगर आप किसी सॉफ्टवेयर को यूज़ नहीं करना चाहते, आप ऑनलाइन एक अच्छा थंबनेल बनाना चाहते हैं, तो आप एक बार Adobe Spark को ज़रूर यूज़ करें। बढ़ते हैं हम अपने अगले टूल्स की तरफ। तो यार, यह भी कोई टूल नहीं है, एक्चुअल में एक यूट्यूब चैनल है जिसका नेम है नो कॉपीराइट साउंड। अब इस चैनल को यूज़ करके आप अपने यूट्यूब वीडियोस के लिए साउंड डाउनलोड कर सकते हैं। क्योंकि यार, अगर आज की डेट में आप किसी भी साउंड को यूज़ करते हैं गूगल करके, हो सकता है कि आपके चैनल पर स्ट्राइक भी मिले। बट यहाँ पर आपको जो सारे साउंड्स मिलते हैं, यहाँ पर आपको जो भी म्यूजिक मिलते हैं, यह सभी के सभी कॉपीराइट फ्री होते हैं। तो आप एक बार नो कॉपीराइट साउंड के चैनल पर ज़रूर विजिट करें और यहाँ से आप सॉन्ग्स या फिर म्यूजिक को फाइंड करें। बढ़ते हैं हम अपने अगले टूल की तरफ। तो यार, यह भी एक वेबसाइट है जिसका नेम है पिक्साबे। तो यार, आज की डेट में कॉपीराइट फ्री कंटेंट फाइंड करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। बट अगर आपको मोस्टली इमेजेस चाहिए जो कि कॉपीराइट फ्री हों, अलग अलग कैटेगरी से रिलेटेड, तो आप एक बार जाएं पिक्साबे पर और यहाँ से आप किसी भी इमेज को फाइंड कर सकते हैं। मोस्टली यहाँ पर आपको जो इमेजेस मिलेंगी वह टोटली फ्री होंगी। बट यहाँ पर आपको जिस पॉइंट को ध्यान रखना है वह है इनकी एफिलिएट लिंक। अगर आप पिक्साबे साइट को ओपन करते हैं, तो यहाँ पर आपको कुछ स्पॉन्सर लिंक भी मिलती हैं। तो आपको उन इमेजेस को डाउनलोड नहीं करना है, क्योंकि वह लाइसेंस इमेजेस होती हैं। आप डायरेक्टली पिक्साबे के सर्च बॉक्स पर जाएं और वहाँ पर आप किसी भी टॉपिक को सर्च करें। तो यार, यह भी एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन है कॉपीराइट फ्री इमेजेस को फाइंड करने का। बढ़ते हैं हम अपने अगले सॉफ्टवेयर की तरफ। तो यार, मोस्टली मैं जो सॉफ्टवेयर यूज़ करता हूँ एडिटिंग के लिए, तो वहाँ पर मैं यूज़ करता हूँ कैमटासिया स्टूडियो। इसके बाद मैंने कुछ टाइम के लिए यूज़ किया फिल्मोरा। बट आज की डेट में मैं जिस सॉफ्टवेयर को यूज़ कर रहा हूँ वह है सोनी वेगास प्रो। तो यार, अगर आप एक अच्छा इफेक्ट चाहते हैं अपनी वीडियो में या फिर आप अपनी वीडियो क्वालिटी को इम्प्रूव करना चाहते हैं, तो आप सोनी वेगास प्रो को ज़रूर यूज़ करें। क्योंकि यार, बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स हैं जो कि आपकी वीडियो की क्वालिटी को रिड्यूस करते हैं। तो अगर आप एग्जैक्ट क्वालिटी चाहते हैं, तो आप सोनी वेगास प्रो को ज़रूर यूज़ करें। यहाँ पर आपको बहुत सारे विजुअल इफेक्ट्स मिलते हैं जिसे आप आसानी से अपनी वीडियो में यूज़ कर सकते हैं। और यार, आज की डेट में अगर हम वीडियो एडिटिंग के लिए प्रोफेशनल सॉफ्टवेयर की बात करें, तो वहाँ पर जो स्टार्टिंग होती है वह होती है सोनी वेगास प्रो से। बढ़ते हैं हम अपने अगले टूल्स की तरफ, जो कि है गूगल कीवर्ड प्लानर। तो यार, आज की डेट में मैं जिस टूल को सबसे ज़्यादा यूज़ करता हूँ वह है गूगल कीवर्ड प्लानर। वैसे तो मोस्टली यूजर्स को गूगल कीवर्ड प्लानर के बारे में पता ही होगा,
बट अगर आपको नहीं पता है तो मैं आपको बता दूं कि गूगल कीवर्ड प्लानर को यूज करके आप अपनी वीडियोस के लिए या फिर आप अपनी वेबसाइट के लिए आसानी से कीवर्ड्स को फाइंड कर सकते हैं। और यार अगर आपके चैनल पर व्यूज ज्यादा आ रहे हैं या फिर आपके वेबसाइट या फिर ब्लॉग पर ट्रैफिक ज्यादा आ रहा है बट आपकी अर्निंग कम हो रही है तो उसका सबसे बड़ा रीजन है आपके कीवर्ड्स। तो यहाँ पर आपको सबसे ज्यादा कीवर्ड रिसर्च करने होते हैं, आपको चेक करना होता है किस कीवर्ड पर बिडिंग है, कौन से कीवर्ड पर आपको ज्यादा पैसा मिल रहा है। तो यार इन सब का जो एनालिसिस होता है वह होता है गूगल कीवर्ड प्लानर पर। बढ़ते हम अपने नेक्स्ट और लास्ट टूल की तरफ जो कि है IFTTT। तो यार यह सबसे ज्यादा यूजफुल टूल है। अगर हम बात करें इस टूल के यूज की तो अगर हम आसान भाषा में बोलें तो यह आपके समय को बचाता है। एग्जाम्पल से समझते हैं, अगर आपकी एक वेबसाइट है, आपका एक फेसबुक पेज है, आपका एक यूट्यूब चैनल भी है, आपका एक ट्विटर अकाउंट भी, आपका एक इंस्टाग्राम अकाउंट भी है, आप ब्लॉग पर भी पोस्ट लिखते हैं, आप वर्डप्रेस पर भी करते हैं, तो अगर आपने किसी भी पोस्ट को ब्लॉगर पर सबमिट किया, अब आपको अपने फेसबुक पेज पर भी उस पोस्ट को शेयर करना है, आपको गूगल प्लस पर भी करना है, तो इसके लिए आपको अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर जाना होता है। बट अगर आप यह चाहते हैं कि जैसे ही आप ब्लॉगर पर पोस्ट को सबमिट करें वह ऑटोमेटिक ही आपके फेसबुक पेज पर शेयर हो, ऑटोमेटिक ही वह आपके गूगल अकाउंट पर शेयर हो, इसके लिए आपको IFTTT बहुत ही ज़्यादा हेल्प करता है। यहाँ पर आपको मल्टीपल एप्लेट्स मिलते हैं जिसे आप वन क्लिक कर आसानी से यूज कर सकते हैं। तो यार फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इसे जरूर लाइक करें। अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। एक नई वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए #cyberbaba।